श्री राजपूत कन्या सेना एक बहुत छोटी सी संस्था है समाज की, और अभी तक सिर्फ राजपूत के साथ ही थी, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश हो, चाहे उसके बाहर, तो अब कहां जाएंगे हम। कर्नल राज्यवर्धन के साथ भी थे, कर्नल मानवेंद्र के साथ भी, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। जयपुर राजघराने के साथ भी थे, हम अलवर राजघराने के साथ भी हैं, एक बीजेपी से हैं, एक कांग्रेस से। हम गोपाल सिंह इडवा के साथ भी थे, हम गजेंद्र सिंह मेहरोली के साथ भी, कोई तरह की हमें दिक्कत नहीं। 400 सीटों के बाद में जब ये चर्चा बहुत ज़्यादा उठ खड़ी हुई कि करणी सेना है कहाँ, करणी सेना समाज के साथ थी, है और रहेगी। अब अगली 150 सीटों में हम हमारी ताकत महसूस करवाना चाहते हैं। राजस्थान की लें, हम जयपुर और जयपुर रूरल में बीजेपी के साथ हैं, तो अलवर में कांग्रेस के साथ। एट्रोसिटीज एक्ट पर जिन लोगों ने जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, धौलपुर और बीकानेर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हम नहीं हैं। रही नागौर की बात, कल हम डीडवाना की मैं विशेष तौर पर ध्यान दिलाना, हम कर्नल मानवेंद्र के साथ थे, हम कर्नल राज्यवर्धन के साथ भी हैं। अभी आज सुबह उतरा हूँ राज्य आमेर में, जयपुर रूरल में मीटिंग लेके आया हूँ, आज ही सुबह लखनऊ से आया हूँ। और जब लखनऊ में पत्रकार बंधुओं ने पूछा, जो पैनल डिस्कशन से, आपके चैनल डिस्कशन से ही सुना है मैंने, मेरा पास कोई सर्वे की टीम नहीं है, कि मोदी जी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जा सकता है, ऐसा आप लोगों का कहना है, मैं नहीं लाया हूँ कहीं से काम, तो फिर हमारी उस पर राय है कि एक राजपूत प्रधानमंत्री होना चाहिए। अभी 2 से 3 दिन पूर्व ही डीडवाना में भी नागौर जिले की सीट के लिए राजपूत समाज ने एक पार्टी विशेष को समर्थन दिया था, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस वाले कांग्रेस को देते रहते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी को देते रहते हैं, और समाज को, हम तो बहुत छोटी सी एक हमारी यूनिट है, और जब पूरी मजबूती से मैदान में खड़े होते हैं, तो आज तक देश के इतिहास में आपने इस तरह से फिल्म का विरोध नहीं देखा होगा, आपने सावराज में कभी इस तरह की कोई सुनी नहीं होगी कोई मामला, आपने कोई मामला इस तरह से नहीं सुना होगा कि हम जब तय कर लेते हैं कि वोट की चोट दे ही डालेंगे, तो ये आर्थिक आधार पर 50 साल से कहानी चल रही है, इस बार फैसला हुआ है।